अब पटियाल बेरोजगारी और रोजगार का परीक्षण करने वाला है। ये घर घर से जुड़ा मामला है। इसकी बात तो सब दल करते हैं, लेकिन इसके नाम पर वोट क्यों नहीं पड़ता? फिर भी चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हमेशा हो रही है। 27 मार्च दोपहर ठीक 11:47 पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। इसकी हाइलाइट्स अब मैं आपको बताता हूं। भारत के कुल वर्कफोर्स में जितने बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती। बीजेपी की इसी सच्चाई को युवा समझ चुके हैं, बीजेपी उन्हें रोजगार नहीं दे सकती। ये संदेश पार्टी की चुनावी गारंटी की प्रस्तावना है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। कांग्रेस सत्ता में आई तो खाली पड़े 30,00,000 सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक को 1,00,000 रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप देंगे। पेपर लीक के खिलाफ नया कानून आएगा। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ का नेशनल फंड देंगे। ये कांग्रेस ने दावा किया, प्रियंका गांधी कह रही हैं। बेरोजगारी क्या चुनाव में मुद्दा बनेगी? इस सत्य का परीक्षण अब पटियाल ने किया है। और राजनेता क्या कहते हैं इस पर, उन्हीं से पूछा, आप भी सुन लीजिए। तो जो जॉब दिए गए हैं उनकी संख्या देख ले हम, वो भी संख्या 1 करोड़ से ऊपर है पिछले सालों के अंदर। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री इस बात को बराबर कहते हैं कि जॉब का अर्थ केवल सरकारी नौकरियां नहीं है और है भी नहीं। जॉब का अर्थ यह है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है उसको ओपन करें, नौजवानों को मौके दें, उसके लिए पूरी स्किलिंग से लेकर के और मुद्रा योजना, अन्य योजनाएं, स्टार्टअप, वो सब चालू की गई हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग विकास करें जिसके अंदर बहुत जॉब क्रिएट होते हैं। जब इन्होंने वादा किया था 2014 के अंदर 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, आज 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था और हुआ कितना है, कुल 4,00,000। और बाद में कहते हैं तो हमारा जुमला था। देखिए अब की बार न्याय की बात जो राहुल गांधी जी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है, इंडिया अलायंस ने की है, रोजगार की बात उनमें अहम है और हम लोग रोजगार देंगे, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और भाजपा ने ठगा है और हम ठगने नहीं देंगे, यही आह्वान करना चाहते हैं। रोजगार पर विपक्ष नौकरी को मुद्दा बनाता है, जबकि सरकार इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। वो कहती है नौकरी सीमित है जबकि रोजगार सबको चाहिए, इसीलिए व्यापार और स्टार्टअप्स की ओर देखना चाहिए। बेरोजगारी पर सारी पॉलिटिकल बयानबाजी एक रिपोर्ट आने के बाद और बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडिया एम्प्लॉयमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा है कि भारत में 83% युवा अब भी बेरोजगार हैं। इसमें से 67.7% ऐसे बेरोजगार हैं जो 12वीं पास हैं और ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। रिपोर्ट में चिंता वाली बात यह भी है कि पढ़े लिखे बेरोजगारों का प्रतिशत बढ़ रहा है। साल 2000 में यह दर 35.2% थी, 2022 में यह बढ़कर 67.5% हो गई, यानी 22 साल में करीब 30% का इजाफा हुआ इसमें। रिपोर्ट को यह भी बताती है कि भारत में 10वीं के बाद ड्रॉपआउट रेट हाई हो गया है। गरीब राज्यों और गरीब जनसंख्या में इसका हिस्सा ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव से ठीक पहले रोजगार पर सरकार का रुख क्या है। सरकार का दावा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट है। भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। रोजगार बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स पर सरकार का फोकस है। बेरोजगारी पर रिपोर्ट आने के एक दिन पहले ही देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर और फेमस इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा था कि भारत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हाइप पर भरोसा करना ठीक नहीं है। देश को ज्यादा ध्यान बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर लगाना चाहिए। वैसे दुनिया में आर्थिक असमानता पर रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था ने भारत में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को चिंताजनक बताया है। अब चलिए ये बताते हैं कि राजनीति में दावे बहुत हैं, गारंटी भी है, लेकिन हकीकत क्या है वो समझनी चाहिए। राजनीतिक ईमानदारी का ओरिजिनल मीटर अब पटियाल आपके सामने रखता है। पिछले 5 साल में संसद में आपके चुने हुए सांसदों ने किस विषय पर कितने सवाल पूछे, इस लिस्ट में आपके हित में कितने सवाल थे, इसे समझिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े 6,602 सवाल सांसदों ने पूछे। कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े हुए 4,642 सवाल पूछे। रेलवे से 4,317,
फाइनेंस से जुड़े हुए 4,122, शिक्षा विभाग से जनहित में सिर्फ 3,559 सवाल पूछे गए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 3,263 सवाल पूछे गए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से 2,813 सवाल पूछे गए, जल शक्ति मंत्रालय से 2,808, महिला और बाल विकास मंत्रालय से 2,727, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री से 2,643, गृह मंत्रालय से 2,624, श्रम रोजगार से 2,518 सवाल पूछे गए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से 2,424 सवाल पूछे गए, सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 2,381 और ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2,368 सवाल पूछे गए। रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर सवालों का अनुपात बहुत उत्साहजनक नहीं है। ऐसे में सवाल की रोजगार के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया दिखावटी क्यों है? एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, आपको ये जरूर सुनना चाहिए। बेरोजगारी एक समस्या तो दिखाई पड़ती है, हकीकत है, लोग कहते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन जब वो वोट देने के लिए जाते, इस मुद्दे पर वो अपने वोट देने का निर्णय नहीं बनाते। और इसकी वजह बहुत साफ है, देश में तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, एक वोटर के पास एक वोट होता है और मुद्दे तमाम होते हैं, उसे पार्टी पसंद है, उन्हें उम्मीदवार पसंद है, ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी की सरकार है उन्होंने जो दूसरे काम किए हैं वो पसंद है। आज अगर हम बीजेपी की बात करें तो हिंदुत्व का मुद्दा हो सकता है लोगों को वो पसंद हो, प्रधानमंत्री मोदी की छवि पसंद हो, इस कारण लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि के कारण बीजेपी को वोट किया, तो अन्य मुद्दों पर उनके वोट देने का निर्णय प्रभावित हो जाता है और बेरोजगारी के मुद्दे पर उनका वोट प्रभावित नहीं होता। इस वजह से पिछले 5-10 सालों में हमने देखा है कि बेरोजगारी का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा नहीं बना है। रोजगार और बेरोजगारी पर पटियाला बाप को एक और चौंकाने वाली बात सुनाता है। अमेरिका में हर महीने लेबर विभाग बेरोजगारों की संख्या बताता है। फरवरी महीने में वहां पर बेरोजगारों की संख्या 65 लाख है, लेकिन क्या हम दावे से कह सकते हैं कि भारत में मार्च महीने में बेरोजगारों की संख्या क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सार्वजनिक स्पेस में ऐसा कोई सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होता। हमने इस विषय में एक्सपर्ट की राय ली, आप उसे भी सुनिए और समझिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो एक निजी क्षेत्र की संस्था है, उसके आंकड़े और परिभाषाएं आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल संस्था जो है उनके मुताबिक हैं, उनके डेफिनेशंस के मुताबिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मेल खाते हैं, जबकि सरकारी आंकड़े मेल नहीं खाते। इस वजह से सीएमआई के आंकड़े अब ज़्यादा पुख्ता माने जा रहे हैं। सरकार अपने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के परिभाषा नहीं बदलती तब तक सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठेंगे, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि बेरोजगारी और रोजगार पे आंकड़े इकट्ठा नहीं किए जा रहे हैं। वो बाकायदा 50 साल से हमारे देश में हो रहा है। प्रियंका गांधी जैसे राजनेताओं को दूसरों की कमियां देखने का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन उन्हें ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए कि जब देश में उनकी पार्टी की सरकार थी तो वो रोजगार देने और बेरोजगारी मिटाने का कोई पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम क्यों नहीं बना सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।